पिछले 5 साल के किए हुए कार्य वो जनता के बीच में रखे। 2005 से 14 तक 10 साल चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस का राज था। उस राज के अंदर कोई एक भी ईंट पंचकुला के विकास के लिए नहीं लगी। नाम तो विकास है और विकास हमने करवाया है। नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें पता है कि पंचकुला में इलेक्शंस हो रहे हैं और इसी के साथ हम बीजेपी के उम्मीदवार जो कि हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनके साथ बैठे हैं। तो ज्ञानचंद जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपने जनता के सामने रखे हैं ताकि जो वोट हैं वो आपके पास आएँ। देखिए, हमने जनता के पास पिछले 5 साल के किए हुए कार्य वो जनता के बीच में रखे कि हमने 5 साल के अंदर ये विकास के कार्य कराए और लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 5 साल के अंदर हमने कराए। आज जनता तुलना करती है कि इससे पहले हमारे 2014 से पहले 2005 से 14 तक 10 साल चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस का राज था। उस राज के अंदर कोई एक भी ईंट पंचकुला के विकास के लिए नहीं लगी। उससे पहले 5 साल का कार्यकाल था अपने ये क्या नाम इंडियन नेशनल लोकदल का, तो 15 साल जो पंचकुला की उपेक्षा हुई, चाहे वो गुटबाजी के कारण कह लीजिए जो आपस के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी थी, और या जो हमारे यहाँ से विधायक रहे उनकी कोई कार्यशैली ऐसी थी, लेकिन पंचकुला पूरी तरह से उपेक्षित था। हमने इन 5 सालों के अंदर पंचकुला को विकास की राह के ऊपर लेकर के चले हैं और उस लिए इसमें 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू हुए हैं, बहुत सारे पूरे हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पंचकुला पूरी तरह से उपेक्षित था, आज पंचकुला विकसित पंचकुला बनने की ओर अग्रसर है। आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर के आए हैं, चाहे वो 4 लेनिंग पंचकुला से लेकर के यमुनानगर तक है, चाहे वो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आयुष का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, 150 करोड़ की लागत से बनने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, 62 करोड़ रुपए लागत से जो कजौली वाटर वर्क्स, जो हम पानी यहाँ से कैनाल वाटर लेकर के आए हैं, चाहे वो है। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा रोडवेज का डिपू जो यहाँ पर मतलब पिछले 50 साल के अंदर नहीं बना, वो हमने यहाँ पर हरियाणा रोडवेज का डिपू बनाया। यहाँ पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल बनाया, यहाँ जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, 105 जो कमरों का रेस्ट PWD रेस्ट हाउस बनाया है, यहाँ की बेसिक कम्युनिटीज़ बिजली 24 घंटे हमने दी है। इससे पहले बिजली 8 घंटे या 10 घंटे आती, आज पंचकुला प्रदेश का पहला जिला बना जहाँ पर 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, 35 नए ट्यूबवेल लगे हैं और सड़कों का जहाँ तक पिछले सवाल है, चाहे वो गांवों की सड़कें हैं चाहे वो शहर की सड़कें हैं, सारी की सारी सड़कों की कारपेटिंग हुई है और आज जितने पुल जो मैं समझता हूँ कि गांवों के अंदर 50 साल से कोई किसी ने सुध नहीं ली थी, आज 5 नए बड़े बड़े पुल, 6-6 करोड़ रुपये के पुल जो हैं आज वो हमने पंचकुला के अंदर बनाए हैं। मतलब जनता जो है वो इस बार आपके विकास कार्य को देख के बिल्कुल वोट डालेगी, यहाँ जो नामचीन नेता हैं आपकी पार्टी में उनको देख के वोट डालेगी? देखिए, नाम तो किसी का नहीं है, नाम तो विकास है और विकास हमने करवाया है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं, चाहे वो नोटबंदी का था, चाहे वो GST का था, चाहे वो धारा 370 करने का, ख़त्म करने का जो एक धारा 370 हमारे माथे के ऊपर कलंक था, उसको धोने का काम जो मोदी जी ने किया है, और मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ हरियाणा प्रदेश में सरकार दी है, और उसी का परिणाम है कि आज हर ओर हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंधी है। और पंचकुला की अगर बात करें तो आपके हिसाब से यहाँ के लोगों का क्या मूड है आपकी पार्टी को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमने जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग स्वागत कर रहे हैं, जनता स्वागत कर रही है, उससे लगता है कि आने वाला जो कल है वो भारतीय जनता पार्टी का। और
अगर जैसे समस्याओं की बात की जाए तो दो समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं, हमने बात करी लोगों से, पहली तो है बेरोज़गारी, दूसरी है पानी की समस्या, मतलब जो बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है रोड पे, तो इसको लेके आपने कुछ देखा है? बिल्कुल सही बात है, दो ये जो पानी की समस्या है, निश्चित तौर पर एक ऐसा एरिया है जो सेक्टर 19 का एरिया है, जहाँ पर जो पंचकूला है, जिस प्रकार से पंचकूला का बनावट है, वो पूरे पंचकूले का पानी जो है वो सेक्टर 19 में जाकर के इकट्ठा होता है। वहाँ बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो नाला था, वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर मकान डाल दिए, कवर कर लिए, जिसके कारण आज वो जो पानी नाले के अंदर जाना चाहिए था, जिसको वहाँ के लोगों ने बंद कर दिया, आज वो उनके घरों में बढ़ रहा है। तो लेकिन फिर भी हमने कहा है, हमने वहाँ पर चार जो हैं जो इसके बोर लगाए हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग के जो पानी है उन बोर के अंदर जाता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो अपर्याप्त है। इसके अलावा फिर दोबारा से उसके ऊपर हम कर रहे हैं ताकि उस समस्या का समाधान जल्दी मिलेगा। और दूसरा आपने जो एक विषय और बताया वो था बेरोज़गारी का। देखिए ये बात सही है कि युवाओं के अंदर बेरोज़गारी की समस्या है, लेकिन इतना भी हमें संतोष है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने 70,000 नौकरियां युवाओं को पिछले 5 साल के अंदर दी हैं, जबकि कांग्रेस के राज में 19,500 मिली थी और इंडियन नेशनल लोकदल के राज में सिर्फ केवल 8,500 मिली थी। आज 70,000 नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, पारदर्शी तरीके से दी हैं, बिना रुपया खर्चे, बिना कोई खर्ची के, बिना पर्ची के आज जो वो नौकरियाँ दी हैं उससे युवा संतुष्ट है। और आज बजाय लोगों के चक्कर काटने के, आज जो युवा है वो मेरिट की ओर जा रहा है, पढ़ाई की ओर जा रहा है, और जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर खुले हैं उनके अंदर आज बहुत रश बढ़ गया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस बार 75 पार करेगी या नहीं। कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ मैं कनिष्क, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।